हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड टूल फॉर द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, दैट इज बॉटनिकल गार्डन्स। चलिए समझते हैं बॉटनिकल गार्डन्स का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आपको टैक्सोनॉमी की स्टडी करना है तो उस कंडीशन में बॉटनिकल गार्डन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, जो भी प्लांट्स की स्पेसीज हैं उनको ग्रो किया जाता है इन गार्डन्स के अंदर, ताकि हम उसको और ज़्यादा इनडेप्थ में आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई कर सकें। ओके, सो बेसिकली ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन पर बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे नेचुरल कंडीशन में इनको ग्रो किया जा सके इन बॉटनिकल गार्डन्स में। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन मतलब कि जो इनका टेम्परेचर है वो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट का मतलब ही होता है कि 18 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा जहाँ पर टेम्परेचर होता है उसको बोला गया है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स। तो यहाँ पे इस टाइप के टेम्परेचर, इस टाइप के क्लाइमेट के अंदर बेसिकली प्लांट्स को नेचुरली ग्रो कराया जा सकता है एंड सिंपली उसको आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस तरीके से बहुत सारी फैमिलीज के जो प्लांट्स हैं उनको हम सिस्टमेटिक वे से अरेंज कर सकते हैं। ओके, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं इन गार्डन्स के अंदर। ओके, सो बेसिकली बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स का डेवलपमेंट किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम स्टडी कर पाएँ राइट, इन प्लांट्स के बारे में या फिर आप बोल सकते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। एंड उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़ को बनाया गया है अंडर द बॉटनी डिपार्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हेल्प करता है हमको, बहुत सारे इसेंशियल प्लांट्स मटेरियल प्रोवाइड करता है ताकि हम उस पर रिसर्च वर्क कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए हम देखते हैं कि इस टाइप के कितने बॉटनिकल गार्डन्स ऑलरेडी हैं इंडिया में। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज अ नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, दैट इज इन इंडिया। सो ये जो नेशनल बॉटनिकल गार्डन है लखनऊ का, बहुत ज़्यादा फेमस है एंड इसका नाम जो है वो है सिकंदर बाग। ओके, इसका जो एरिया है वो 75 एकर्स में फैला हुआ है एंड ये जो है सिचुएटेड है बैंक ऑफ गोमती रिवर के, यानी कि गोमती नदी के किनारे पर ही इसको बनाया गया है। ओके, एंड इसके अलावा इस गार्डन के पास में ही एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना हुआ है जिसमें हायर एंड द लोअर प्लांट्स के स्पेसिमेन यानी कि सैंपल्स जो हैं कलेक्ट किए गए हैं, वो भी अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट से। ओके स्टूडेंट्स, एंड सिंपली यहाँ पे उनको अरेंज किया गया है वेरी ब्यूटीफुल तरीके से, यानी कि सजाया गया है, अरेंज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड है लियोड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग इंडिया। सो ये जो गार्डन है बंगाल के दार्जिलिंग में सिचुएटेड है। ओके, एंड सिंपली ये ईडन सेनाटोरियम के नीचे बना हुआ है एंड इसके अगर एरिया की बात करें तो ये 40 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। एंड ये जो गार्डन है एक्चुअली 20 डिवीजन में, यानी कि 20 हिस्सों में इसको बांटा गया है एंड जिसके अंदर ओवरऑल 1500 स्पेसीज को ग्रो किया गया है। ओके, एंड ये जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वो ऑलमोस्ट 13 कंट्रीज से कलेक्ट करके यहाँ पे ग्रो किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं थर्ड, दैट इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन सिपुर कोलकाता इंडिया। सो ये जो गार्डन है एग्जैक्टली सिपुर में है जो कि कोलकाता के पास में ही है एंड यहाँ पे लगभग 1500 प्लांट्स को इस गार्डन में ग्रो किया गया है एंड इस प्लांट्स से जो है बहुत सारे ट्रीज, प्लांट्स एंड सीड्स जो है लोगों को दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहाँ पे और भी गार्डन है जैसे कि गवर्नमेंट गार्डन शिलोंग, गवर्नमेंट गार्डन मसौरी, गवर्नमेंट गार्डन नैनीताल, गवर्नमेंट गार्डन शिमला, शालीमार गार्डन श्रीनगर एंड लाल बाग गार्डन बेंगलुरु। तो इस टाइप से बहुत सारे गवर्नमेंट के गार्डन से जहाँ पे बेसिकली स्टडी के लिए इन बॉटनिकल गार्डन्स को बनाया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ें जो आपको इस बॉटनिकल गार्डन के बारे में पता होनी चाहिए, चलिए देखते हैं, दैट इज बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्टकट में BSI भी बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, जो ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन सिपुर कोलकाता का जो हमने अभी देखे वो बहुत ज़्यादा फेमस बॉटनिकल गार्डन है इंडिया का। ओके, एक्चुअली ये जो है हेडक्वार्टर है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इट मीन्स जो आपको ये कोलकाता का जो ये बॉटनिकल गार्डन है, दैट इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये हेडक्वार्टर है इस बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो अलग अलग बॉटनिकल गार्डन्स है वो एक्चुअली वर्क करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी बॉटनिकल गार्डन्स है वो सारे के सारे इस बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में ही कंट्रोल की जाते हैं, उस पर देखरेख की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा इंडियन म्यूजियम का जो इंडस्ट्रियल सेक्शन है वो भी इवन इस बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में ही आता है एंड वहीं से इनको गाइडेंस एंड डायरेक्शन मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो म्यूजियम है ये वर्क करते हैं
इन प्लांट्स के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पे, यानी कि कौन से प्लांट से हम पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से उनको ग्रो करना है, कितना ग्रो करना है, कितनी डिमांड है, उसके बेस पे काम करते हैं। एंड उसका किस तरीके से प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो भी डिसाइड किया जाता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। एंड इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है, उनको ग्रो भी किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।